करीना कपूर ने सीता के किरदार के लिए 12 करोड़ रुपया फीस मांगी थी। ये खबर बाहर आने के बाद जो है लगातार बहुत सारे लोग जो हैं उनको ट्रोल करने लगे और उनको कहा कि वो जो है भावनाओं को आहत कर रही हैं, सीता माता का रोल करने को मिल रहा है और ऐसे में उन्हें तो अपनी फीस कम करनी चाहिए, बड़ा क्यों दी है। लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस उनके सपोर्ट में भी सामने आई थी। अब पहली बार जो है करीना ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और क्या वाकई में 12 करोड़ रुपए मांगे थे, क्या हुआ था इस पर उन्होंने क्या कहा है, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। उन्होंने NDTV को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया। करीना कपूर खान आगे क्या कर रही हैं, ये सवाल पूछा गया। आप आमिर के साथ एक फिल्म में नजर आने वाली हैं, चर्चा है कि आप 12 करोड़ रुपए की फीस की मांग कर रही हैं और कई दूसरी एक्ट्रेसेस भी आपकी बड़ी फीस के सपोर्ट में उतरी, लेकिन क्या ये खबर फर्जी थी, जिस पर उन्होंने हाथ अपना सर हिलाते हुए कहा हाँ हाँ, यानी कि उनका ये कहना था ये खबर पूरी तरह से फर्जी थी, कोई 12 करोड़ रुपए की बात या फिल्म की बात उनके साथ नहीं हुई है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि प्रिया मणि, तापसी और पूजा हेगड़े जो हैं आगे आई थी और कहा था कि अगर एक फीमेल एक्ट्रेस जो है ज़्यादा फीस मांग भी लेती हैं तो इसमें इतना बवाल करने की ज़रूरत क्या है। कई सालों तक महिलाओं को पुरुषों से कम जो है सेम लेवल पर होते हुए भी पैसा सैलरी कम दिया गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड की नहीं सभी फील्ड की बात कर रही हूँ और बॉलीवुड में भी इस बात को लेकर अक्सर बात उठती रही हैं, आवाज़ें उठती रही हैं। तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस उनके सपोर्ट में आगे आई थी, लेकिन करीना के रिएक्शन से ये साफ है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई पैसा नहीं मांगा गया था, उनके पास फिल्म आई थी नहीं आई थी इस बात को लेकर जो है पहले भी निर्देशक बोल चुके हैं कि वो उनके पास अभी तक तो गए भी नहीं थे। तो ऐसे में उन्हें जो है ट्रोल किया गया। वहीं हाल फिलहाल में उनके दोनों बच्चों के नाम को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया गया था, जिस पर करीना ने यह साफ कहा था कि वो इतना सोच समझ कर कोई प्लानिंग के साथ पहले नाम सोच कर नहीं रखा था, उन्हें जब नाम वो सोच रहे थे ये दोनों नाम पसंद आए और इसीलिए उन्होंने ये दोनों नाम यानी कि तैमूर और जहांगीर अपने बच्चों के नाम रख लिए थे।